वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/1/94 को 10 बजे रामेश्वरम धाम में दिया गया। राम 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 पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे तीर्थों में जाते हैं तो वह सुख कुछ लाते हैं। हरिद्वार जाते हैं गंगा जी का जल लाते हैं, गंगा जी रेणु का भी लाते हैं, कंठी प्रसाद भी लाते हैं, नहीं तो गंगा जी एक लकड़ी भी लाते, लाठी लाते हैं।
ऐसे लया करते हैं। तो ऐसे अपने यहाँ भगवान के ईश्वर रामेश्वर है, उनके यहाँ आए हैं तो यहाँ आकर लेकर जाना चाहिए। तो क्या ले जावे? भाई एक तो अपने जीवन में से अहंकार को बदल देना चाहिए। पक्की बात है कि मैं भगवान का हूँ, ये अहंता बदलने पर सब बदल जाता है। साधक के ये भूल होती है, क्रियाओं को करता है, चीजों को बदलता है, वेश भी बदल देता है, साधु बन जाता है। ये तो भजन करने वाले कुछ पगड़ी बांधना भी छोड़ दे और कुछ छोड़ दे, सब वेश बदल देता है। ये कोई महत्ता की बात नहीं है। अहंता को बदल दो, मैं भगवान का हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ मैं, और मेरे केवल भगवान है। अब काम क्या करना है कि भगवान के नाते संसार की सेवा करना है। हमें संसार से कुछ नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है, और मेरा संसार में कुछ है भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, अपना कुछ नहीं है, अपने संसार किसे कुछ लेना नहीं है, कुछ आशा रखना ही नहीं है, क्योंकि संसार हमारी आशा पूर्ति नहीं कर सकता। संपूर्ण संसार मिल करके भी एक आदमी की आशा पूरी कर सके, नहीं कर सकता। वास्तविक तत्व की प्राप्ति संसार के द्वारा नहीं होती, संसार के त्याग से होती है। संसार की इच्छा भी संसार पूरी नहीं कर सकता। सब संसार मिलकर के एक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, कामना इच्छा जो वासना उसके है। जैसा आया ये नियम पर वस्ती है, जितना संसार में धोना सोना है, सब पशु है, पक्षी है, जमीन है, जायदाद है, सबके नाल में एकस्य तृप्त्यर्थम, एकस्य तृप्त्यर्थम नालम, एक की तृप्ति भी नहीं कर सकता सब मिलकर के एक, तो कैसे तृप्ति हो सकती है? संसार की वस्तु भी संसार को देकर संसार से लेकर आप कभी तृप्त हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, संभव ही नहीं है। आज दिन इतिहास में कोई ऐसा आपको नहीं मिल सकता कि संसार से लेकर के तृप्त हो गया हो, कुछ भी बना पाना पाना बाकी ना रहे, ऐसा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। तो जिसे हो ही नहीं से उसकी आशा क्या रखना है? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा है ये परम दुख है, परम दुख, दुख नहीं परमम दुखम, और नैराश्यम परमम सुखम, सुखम नहीं परमम सुखम, सर्वोत्कृष्ट सुख है। आपके पास जो संसार की चीज है, धन संपत्ति, विवाह, घर परिवार, जमीन जायदाद, रुपये पैसे, ये खुले हृदय से संसार में खर्च कर दो, संसार को दे दो। ये संसार की चीज है, आपकी चीज नहीं है। आप आए थे तो नंग धड़ंग आए थे, और जाओगे तो लाश भी यही पड़ी रहेगी, आपका कुछ है नहीं। ये वहम है, ये मेरे देश बिलाजत तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे ताती, ये मेरे कामिनी के लिए, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुण्य बंधु, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही साढ़ चलो तेलो जरूर बुझी जैसे बाती। बहम है यू समझे, असनम में वसनम में भारिया में बंधु वर्गो में कुरवाण काल भर्गो भांति पुरुष राजम, जैसे में करता है बकरा, ऐसे में करते वो काल रूपी बकरा खा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एकदम सच्ची बात है, ऐसी पक्की, कुछ नहीं रहेगा आपके पास में, शरीर भी नहीं रहेगा, इसको ही लोग मारेंगे, आपके साथ नहीं चलेगा। तो संसार से आपको कुछ मिल नहीं सकता। आप साक्षात परमात्मा के अंश है, ख्याल करो, ये संसार सब प्रकृति का है,
और प्रकृति के अधिपति परमात्मा उसके आप अंश हो, ममई वंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि। संसार से सुख चाहने के कारण से दुखी होना पड़ता है, नहीं तो सहज सुख राशि स्वतः सुख राशि है, सुख अधिक है, केवल सुख आनंद ही आनंद रूप है। तो संसार से क्या मिलेगा, कुछ मिलने की संभावना नहीं है। आशा ही परम दुख, संसार से आशा रखना है, ये असली दुखी होने का तरीका है, असली जीता रहने का तरीका है, कुछ भी अपने पास न रहे दुख पाने का तरीका है जो संसार से कुछ चाहते हैं। और संसार की बात भी ऐसी है, चाहोगे तो संसार देगा नहीं, और नहीं चाहोगे तो संसार हाजिर हो जाएगा, चीजें देगा। आप लोग मुसाफिरी करते हैं, रुपये पैदा हो जाए 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपये तो आप अपना जीवन सफल करते हैं, परंतु परमार्थ में रुपये खर्च करके रुपयों को सफल मानते हैं। आप जरा ध्यान दें, ये जो अभी रुपये खर्च करते हैं ये कोई बड़े बढ़िया पागल नहीं है, रुपयों का सदुपयोग हो जाए। रुपयों से आप जीवन सफल मानते हैं, वे रुपये परमार्थ में खर्च होने से रुपये सफल होते हैं, एकदम पक्की बात है। इसमें केस मात्र का भी फर्क नहीं है, इतनी सच्ची बात है। तो आप भगवान को लेकर सफल हो सकते हैं। कभी आप समझ ले निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन हो, भगवान का चिंतन है, स्मृति है, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अरे भगवान को याद नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल रीता चला गया, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा भारी मामूली रानी सहानी तद महत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षम वामी वासुदेव न चिंतित, कोई बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है, अंधता है, वो मूढ़ता है, महान मूर्खता है। तो यहाँ से लेना क्या है, भगवान का नाम छोड़ो मत, यहाँ से राम 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 स्वयं शंकर वीर तुम पुन राम नाम दिन राति सादर जप अनंग अराति सादर जप राम 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 नाम हरदम चलता रहे। अरे उससे भी बढ़िया बात है कि हम अब राम जी के हैं, राम जी के हो गए। जैसे ब्याह होने पर कन्या कभी अपने को कुंवारी नहीं मानती, साधु होने पर ठीक जैसे साधु होने पर गृहस्थ वो अपने मानता ही नहीं, माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी पोता पोता सब एक दिन मर गया तो कुछ असर नहीं पड़ता, कभी साधु गए ठीक त्याग कर दिया है तो पीछे वाले कुटुम्ब के सबके सब नाश हो जाए, कोई असर नहीं, हमारे तो है ही नहीं, हम कुटुंब के नहीं, हमारे कुटुंब नहीं, खत्म। मर जाए तो अच्छी बात, जीवन बहुत पन विचार बड़े धनी हो जाए तो अच्छी बात, हमें मतलब नहीं उससे, इस तरह से संसार से हमें मतलब नहीं, पक्की बात ये है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनकी रामायण का पाठ कर रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, एक दिन में नहीं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, इसी क्षण अभी अभी इसी क्षण, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। राम का होकर राम जी का भजन कर, भजन करते हैं भगवान की होकर नहीं करते, संसार की होकर करते हैं, माँ बाप के होकर करते हैं, स्त्री पुत्रों के होकर करते हैं, भाई भतीजे भुजाई के होकर करते हैं, जमीन के होकर करते हैं, मकान के होकर करते हैं, रुपयों के होकर करते हैं। आप तो समझाइए मेरे है, आपके घातक है, घातक घातक संसार साथ ही सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, सब धोखा है, धोखा धोखा धोखा, ये अपना नहीं है। ईमानदारी से देखो तो अपना है ही नहीं, अपने साथ में आया नहीं, आ साथ ले जा सकते नहीं, शरीर को मैं करते हो, उस शरीर को आप स्वस्थ रख सकते नहीं और मरने से बचा सकते नहीं, मेरा क्या है,
पूरा वहम है, केवल निखाल शुद्ध वहम है, केवल ब्रह्म अपना नहीं है, ही नहीं अपना। तो ये अपना नहीं है उसको छोड़ दो और अपने भगवान है उसको अपना मान लो। ईमानदारी की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। हुए राम को नाम जब भगवान के हो गए, अब आज से हम भगवान के हो गए। इसमें आधी बात खास मुकाम की है, ज्यादा आधी बात रखने दो। सेवा करने के लिए हम सबके हैं और हमारे लिए हम किसी के नहीं है। हमें कुछ मिल जाएगा इसके लिए हम किसी के नहीं है, कभी नहीं है। आशा ही परमम दुखम, संसार से आशा बड़ा दुख है। इस वास्ते संसार की आशा का त्याग कर दो। हमें संसार से लड़ा नहीं है, संसार में हमें कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं संसार में। संसार में हमारा नहीं है, संसार में हमारा लेना नहीं है, संसार की आशा रखना नहीं है, कामना रखनी नहीं है। गीता के आरंभ से अंत तक विचार किया जाए तो भगवान को याद रखना और संसारी कामना का त्याग करना, दो बात पर बहुत जोर दिया है। सम्मत 1984 में मैंने कथा करी थी भागवती गीता की, उस समय गीता में बात पढ़ी थी कि गीता में दो है, एक तो भगवान को याद रखना और ममता का त्याग, संसार में अपना कुछ नहीं है। वो अभी तक वैसा ही है, अभी नहीं इतने वर्ष हो गए, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, सच्ची बात है। तो ये कोई अपना नहीं है, तो राम जी का हो जाओ। हो जाओ कैसा है, मैंने पहले कहा, सुबह भी कहा है, कोई नया होना नहीं है, भगवान के हैं हम, संसार के बने हो भाई, संसार के हो नहीं। ये बनावटी पना छोड़ जाए, बनावटी पना नकली है, असली बात आ जाए तो भगवान के हो गुरु। ओए राम को नाम जप राम राम। अरे मेरा नाम माँ है तो जा यहाँ से, मेरी माँ नहीं, मेरी नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे मेरा कोई नहीं है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर पूर्ण तजे अब ही थे, मन पछते हो प्राणी अवसर भी थे। फिर रोक छोड़ना पड़ेगा, मौका निकल जाएगा हाथों से। इस वास्ते संसार में मेरा नहीं है। सेवा करने के लिए हम और शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार हम सेवा करें, परंतु सहन किसी से किंचित बात भी न रखे। सच्ची बात है कि गुरु से और भगवान से भी सहन न रखे, मन में सहन है ही नहीं हमारे, न गुरु से लेना है न भगवान से लेना है, लेना ही नहीं है। भगवान जबरदस्ती देते हैं, संसार से नहीं लेना चाहते उसको संसार देता है, लेना चाहते उसको संसार नहीं देता है। ये बात देखी हुई है, भोगी हुई है, समझी हुई है। हम चाहते हैं संसार नहीं देता, और नहीं चाहते संसार देना चाहता है। हम लड़ते नहीं, हमें लेना है ही नहीं। तो आपके निर्वाह की चीजें इतनी आश्चर्य, आप 10-15-20-50 आदमी कोट पेट भरे ऐसा काम हो जाएगा। हमारे हृदय से इच्छा मिट जाए संसार कुछ लेना है ही नहीं, कुछ लेना नहीं है। और वो ऐसी सेवा करेंगे, वो सेवा भी केवल शरीर तक पहुंचेगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। संसार मात्र सेवा करेगा, आप तक नहीं पहुंचेगी। आप तक कोई पहुंच सकता ही नहीं। आप तक पहुंचते हैं भगवान, भगवान तक पहुंचते हैं आप। आपका शरीर संसार का है, आपका नहीं है। सब संसार के समर्पण कर दो, अपने तो एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चाहते तुलसीदास, अपने तो एक भगवान है। सुधरे अब ही, आज आज अभी 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 सुधर जाए हृदय से कि मेरा कोई नहीं है। आधी बात है, संसार की सेवा करो, भाई बंधु है, स्त्री पुत्र है, माँ बाप है, इनकी सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, सुख पहुँचो, अपने नहीं। जैसे मेला में सेवा सम्मति वाले आते हैं, सबकी सेवा करते हैं, दिन भर पानी पीने को भगत नहीं मिले ऐसी सेवा करते हैं, बीमार हो तो सेवा करते हैं, मर जाए तो बांट देते हैं, रोकते रोते नहीं, सेवा ही सेवा करते हैं। संसार में मनुष्य का जन्म केवल सेवा के लिए मिला है, संसार के लिए केवल सेवा करने के लिए आप हो और स्वयं भगवान के लिए आप हो। शरीर से और पदार्थों से संसार की सेवा करो, वो सेवा क्या, भगवान की चीज ही भगवान को देना है। सेवा करना मतलब मेरी देनी है। मैंने तो एक जगह पुस्तक में पढ़ा, बड़ा आश्चर्य आया,
और बात सच्ची है कि जो अपनी मान करके सेवा करता है उसके सामने कोई पाप नहीं है। अपनी वस्तु समझ करके कोई सेवा करता देता है तो इसके समान कोई पाप नहीं है। अति समझ हमने पढ़ी आज से आगा अपनी मान कर देना बेईमानी है। अपनी मान नहीं तो देना क्या हुआ, अपनी है ही नहीं, थी नहीं, होगी नहीं और रह सकती नहीं, हो सकती नहीं, उसको अपनी मानना पाप है, महान पाप है। और लिखा है कि जो अपने लिए करता है वो हीनाक्ष है। मैं मरूं नहीं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सुबह गीत ऐसा नहीं मरूं, विले ऐसा नहीं मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूं, किसी से नहीं मरूं, ऊपर मरूं नहीं, नीचे मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, रात में। खूब सोच करके बर्दाश्त ले गया, मर ही गया वो तो अपने लिए ऐसा करता है वो है राक्षस। ये लिखी हुई बात कहता हूँ, वहाँ क्या कबीर मैं कहता डरू और गोर के जैसे मैं क्या करूँ। मैंने पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा, अपने लिए करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, अपने लिए करता है, वो हिंडाक्ष की टोली में है, उधर का है, उस तरफ का है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, अपना कोई नहीं है, भगवान वो हमारे, वो भी हमारे लिए नहीं, हम भगवान के लिए, हमारी चीज संसार के लिए और हम भगवान के लिए, लेना भगवान से भी नहीं है, दुनिया से क्या ले, दुनिया क्या देगी, वहां क्या बचाई, ये क्या दे सकती। भगवान भगवान के भूख है, भूख भाव के भूखे हैं, भगवान भूखा मरते हैं। अब हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान राजी हो जाए, जैसे के कई माँ के मुझे मन में आया कि भरलाल के वो माँ कह दे, माँ ऐसे कह दे, भूखे है माँ के कई, ऐसे भगवान भूखे है, भगवान की तृप्ति करो, भगवान को भोजन कराओ, भगवान की सेवा करो। हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएगा। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा लोग बस चलता चलता चाबी पकड़ के ला करके पिताजी को दे दे, पिता खुश हो जाएगा। ऐसे आप है जो भगवान को दे दो, भगवान खुश हो जाएंगे, और अपने आप को दे दो, बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। खास मांग है भगवान, मां में एकम शरण बढ़ जाए, ये भगवान मांगते हैं, भगवान मांगते हैं, भगवान मंगता बन करके मां में एकम शरण बढ़ जाए। शरण जाना भगवान का काम, पाप नाश करना भगवान का काम, शरण जाना भक्त का काम, प्रेम करना दोनों का काम भगवान को दे दो। तो अपने और अपने वो सब को भगवान को दे दो, निर्देश है। अरे भगवान के होकर फिर नाम का जप करो, हर सब हो या राम को नाम जपे तुलसी तज कुसुमाज। संसार मेरा है ऐसी बात है, वो कुसंग है, कुछ सत्संग है, वो अपना कोई नहीं है। करो महाराज मेरी तो आदत है,